हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ वाटरमेलन जूस। अब ये जूस बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वाटरमेलन के बीज होते हैं वो ग्राइंड हो जाते हैं और जूस ऐसा बनता है कि यूँ लगता है कि अपन वाटरमेलन खा लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ क्या है, वाटरमेलन के अंदर ही उस ग्राइंडर को चला लेते हैं और कहते हैं ये लो बीज निकल गए, जूस निकल गया। तो ऐसा वैसा लफड़ा अपन नहीं रखेंगे। मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताऊँगी, आपको बीज निकालने की मेहनत भी नहीं काटनी पड़ेगी इतनी देर तक, और जो मिक्सी में फेंटेंगे ना वो ही तरीका बताऊँगी कि मिक्सी में इसे कैसे फेंटेगी, एक भी बीज ना आए आपके वाटरमेलन जूस में और ना बीज पिसे। तो चलिए फिर ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मजा आ गया इसे पीकर। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तरबूज लिया है। देखिए तरबूज दो टाइप के होते हैं, एक तो धारेदार आता है और एक ये ब्लैक वाला आता है। आपके पास जो अवेलेबल हो वो ले सकते हो, दोनों से ही जूस अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, इसका हाफ पार्ट ही मैं इसमें काम में लूँगी जूस में। अब जो ये बीज है इसको ऐसे ऐसे अपन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तो उसी का ये वीडियो है। तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और इसकी एक स्लाइस कट करेंगे, ऐसे दो तीन स्लाइस कट कर लेंगे। अब देखिए मैंने कट कर लिया है और इसके छोटे छोटे भाग कट करेंगे इसमें और इसमें डाल लेंगे। वैसे भी अपन को ग्राइंड करना है तो बस ये कट करके अपन डाल लेंगे। लेकिन इसमें जो तरबूज का जो जूस होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये ग्राइंड करना ही। ग्राइंड करने के एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी। अभी देखिए सारा तरबूज अपन कट कर लेंगे पहले। लेकिन जो तरीका है ना कि इसके जो बीज हैं वो पीसे ना, तो उसी का तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। देखिए जैसे अभी मैं चला रही हूँ मिक्सी, देखिएगा कि कितनी मिनट तक मैं इसे चला रही हूँ। एक बार मैंने फेंट लिया है और एक और बार इतनी ही देर आपको चलानी है जितना मैंने चलाया है एक बार में। अब चेक करेंगे, ये देखिए अपना तरबूज तो पूरा पिस चुका है लेकिन जो ये बीज है ना वो इसमें ऐसे कैसे रह गए हैं। तो देखिए बीज बिल्कुल भी नहीं पिसे हैं। अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया है, आपको थोड़ा सा भी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं इसे डाल रही हूँ एक गिलास में और इसमें ऐड करेंगे ठंडा ठंडा बनाने के लिए इसमें आइस और थोड़ा सा सिंपल नमक, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे सिंपल नमक। जैसे अपन एक चम्मच शुगर पाउडर लेंगे तो अपन डालेंगे थोड़ा बहुत ही नमक। और वाटरमेलन पहले से ही मीठा होता है तो इसमें एक चम्मच ये बड़ा वाला गिलास में इसमें एक बड़ी टेबलस्पून इसमें शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए कुछ लोगों को तो इसमें काला नमक पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। मुझे अच्छा लगता है काला नमक इसमें ऐड करना और इससे ये टेस्टी भी लगता है, तो मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है काला नमक तो लीव भी कर सकते हो। अब इन सभी को एक बार मैं मिक्स करूँगी। अब कुछ इसमें लेमन भी डालते हैं, पुदीना भी डालते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, ये तो टेस्ट के लिए होता है। लेकिन जो जूस होता है वो बस इस चीज़ से बनता है जो मैंने आपको बताया है, बस ये इसी चीज़ में डलते हैं। इसको मिक्स कर लिया मैंने, हमारा वाटरमेलन जूस बनकर तैयार हो चुका है। और साइड में एक वाटरमेलन रख देंगे। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बीज बीज तो निकालना मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने तरीका बताया मिक्सी में फेंटने का वो ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी बीज नहीं पीसेंगे और आप इसे पियोगे तो आपकी स्किन ग्लो होगी। सिले तत्व होते हैं ना गर्मी में, ऐसे पसीना वगैरह ज़्यादा आता है तो वो भी नहीं आएगा डेली पीने से, और मूड भी फ्रेश फ्रेश रहेगा। तो चलिए फिर मैं इसे पीती हूँ और हाँ मैं तो इसे ख़त्म करती हूँ। आप भी इसे घर पर बनाएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सरोज शर्मा मिलती हूँ एक ऐसी नई रेसिपी और एक नए टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।